Hello viewers, welcome to our channel Bloom to Explore. मैं सुची आपको आज लेकर जाऊंगी हैदराबाद की एक ऐसी जगह जो आपके दिल को छू जाएगा। जी हाँ, आज हम कवर करेंगे हैदराबाद की एक प्यारी जगह कमल धाम, और बहुत लोग लोटस टेंपल के नाम से भी जानते हैं। आज हम कवर करेंगे हाउ टू रीच देयर, टाइमिंग, फूड फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, एंट्री फी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं सुची आपको ब्लूम टू एक्सप्लोर में स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँच गए हैं लोटस टेंपल कमल धाम में, जो हैदराबाद में स्थित है। और वो जो ये जो टेंपल जो लोकेशन है, चिलकुल बालाजी के पहले आता है, 2-3 किलोमीटर के बाद चिलकुल बालाजी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस लोकेशन में आपको टू बड़ा बड़ा अच्छा लोकेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए गुरुकुल भी है और गौशाला भी है, और पीछे आपका जो है वो बहुत छोटा छोटा शॉप मिल जाएगा, बेकरी शॉप, चाट का दुकान है, नमकीन और टी बिस्किट ऐसा आपको दुकान मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा लोकेशन है, इवनिंग को आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही शांत एरिया है ये वाला, जो एरिया है बहुत ही शांत एरिया है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए लेट ना करके हम लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। ये जो टेंपल है 21 किलोमीटर फ्रॉम नामपाली रेलवे स्टेशन, 15 किलोमीटर फ्रॉम गोलकोंडा फोर्ट एंड 3 किलोमीटर फ्रॉम चिलकुल बालाजी टेंपल। इट इज लोकेटेड इन श्री स्वामी नारायण गुरुकुल ऑन द हाईवे नियर हिमायनाथ नगर जंक्शन। द टेंपल हैज वंडरफुल आर्किटेक्चर विथ ब्यूटिफुल ग्रीन सराउंडिंग्स। यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन के लिए बस, कार एंड ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यदि आप कार से आएंगे तो आपके लिए पार्किंग का प्रॉब्लम हो सकता है। जो विजिटर्स चिलकुर बालाजी टेंपल विजिट करने आ रहे हैं, प्लीज ये जगह मस्ट विजिट कीजिएगा, बहुत ही सुंदर प्लेस है। इस मंदिर का एंट्री टाइमिंग है 6:30 AM टू 7:30 PM। इस मंदिर में कोई भी एंट्री फी नहीं है। इस मंदिर के अंदर आपको एक छोटा सा पार्क भी देखने के लिए मिलेगा, बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको एंट्री फी देना होगा, बहुत ही कम प्राइस है। पार्किंग मंदिर के आगे कर सकते हैं, बाइक में जो आएंगे उनके लिए पार्किंग प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारा एक प्यारा सा सब्सक्राइबर मिले, उनसे और उनके फैमिली से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। ये जो टेंपल है लोटस शेप के ऊपर बनाया गया है, जो देखने के लिए बहुत यूनिक है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही जबरदस्त है। हम तो यहाँ मॉर्निंग में आए थे, आप यदि हैदराबाद में रहते हैं तो इवनिंग में आप इस जगह जरूर विजिट कीजिएगा। इवनिंग में अलग आपको लाइटिंग का मजा मिलेगा।
मंदिर में आपको शिव जी का लिंग देखने के लिए मिलेगा और इसके चारों ओर सब देवी देवता का मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा गौशाला भी है। और यहाँ वॉशरूम के लिए भी सुविधा है। यहाँ पर वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं हम एक नया प्लेस नए एक्सप्लोर के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।